और चलिए इसी बीच रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। एक बड़ी खबर मिल रही है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, अपील की गई है किसान मंच पर। बड़ी जानकारी, किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। लोगों को कहा गया है कि वो शांति कायम रखें, शांति बनाए रखें। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने लोगों से अपील की है। ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर बवाल के बाद लोगों से ये अपील की गई है। देखिए, बवाल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ऐसे में शांति बनाए रखना बहुत अहम हो जाता है। और जो किसान मोर्चा हैं उनकी भी कोशिश अब कहीं ना कहीं यही है कि हालात बिगड़े ना, हालात सामान्य रहें, हालात कंट्रोल में रहें। और इसी के चलते संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यहाँ शांति बनाए रखने की अपील की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर बवाल के बाद लोगों से अपील की गई है। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। हमने तस्वीरें आपको दिखाई, कई जगह पर पत्थरबाजी की तस्वीरें निकलकर सामने आई। बड़ी संख्या में इस आंदोलन में अब लोग जुटना शुरू हो गए हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो तस्वीरें आ रही हैं वो परेशान कर देने वाली आ रही हैं। ऐसे में हालात न बिगड़ें, हालात शांतिपूर्वक रहें, इसी को चलते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने लोगों से अपील की है। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर बवाल के बाद लोगों से ये अपील की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के किसान मंच पर पहुंचे हैं और वहां से जो जनता वहां पर है उसको संबोधित किया है और ये कहा है कि वो शांति बनाए रखें। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपील की गई है, नेताओं ने लोगों से अपील की है। सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर बवाल के बाद लोगों से अपील की गई है कि वो शांत रहें, शांति बनाए रखें।